चैतन्य रस से परिपूर्ण भगवान आत्मा अनादि अनंत नित्य ध्रुव असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होकर भी अखंड रहने वाला अनादि अनंत पर्यायों में व्याप्त होकर भी वह एक रूप रहने वाला अनंत गुणों का स्वामी यह भगवान आत्मा इस राख की दीवार में कहीं भी नहीं है। मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। निरंतर यह जो ज्ञान का प्रवाह है उस बहते हुए प्रवाह में प्रवाहित न होने वाला और टिककर रहने वाला चैतन्य तत्व बस यही मैं हूँ। प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण व्याप्त है, ऐसा असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण वाला ऐसा अखंड अभेद भगवान आत्मा यही मैं। मैं चैतन्य मात्र हूँ, चैतन्य मात्र हूँ, चैतन्य मात्र हूँ। अनंत द्रव्य, अनंत द्रव्य के अनंतानंत गुण, अनंतानंत गुणों की अनंतानंत पर्याय, ऐसा ये सारा जगत उस सारे जगत को एक समय की पर्याय में जानने की सामर्थ्य वाला वह भगवान आत्मा मैं हूँ। सारा जगत ज्ञान में जानने में आए फिर भी दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। मैं स्वयं सुख हूं, मैं स्वयं आनंद हूं। आनंद को प्राप्त करने का विकल्प ही दुख है। मैं स्वयं आनंद हूं, मैं स्वयं आनंद हूं। अनंत ज्ञेयों के प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ते हैं,
फिर भी ज्ञान में ज्ञेय कहीं पर भी नहीं आता और ज्ञान सदा ही ज्ञान रूप टिक कर रहता है, पर द्रव्य में कहीं पर भी प्रविष्ट नहीं होने वाला। जिस पर द्रव्य का जिसमें कभी प्रवेश हो नहीं सकता, ऐसा यह भगवान आत्मा यही मैं हूं। सुनने का राग का विकल्प, विकल्प विकल्प चैतन्य के शुद्ध चैतन्य के प्रदेश पर कहीं पर भी नहीं। ऐसा जो शुद्ध चैतन्य तत्व जहाँ उस विकल्प की सत्ता ही नहीं है, जहाँ वो राग और द्वेष के विकल्पों की सत्ता नहीं है, जहाँ विकार की सत्ता ही नहीं है, ऐसा चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, बस यही मैं, यही चैतन्य ही मैं, चैतन्य मैं, चैतन्य का जो जोर वो जोर में नहीं हूं, मैं चैतन्य मात्र हूं। चैतन्य का जोर ये पर्याय में प्रकट होता है, चैतन्य का जोर पर्याय में आता है, और जो पर्याय में आता है वो पर्याय में प्रकट होता है। वो मैं नहीं, क्योंकि मैं प्रकट होने वाला तत्व नहीं, मैं चैतन्य तत्व सदा ही हूँ, ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अनंत काल के लिए इस राग की दीवार के परमाणुओं को अनंत काल के लिए विसर्जित करता हूं। ऐसा अंतर में जोर कि देह के परमाणु के कारण मेरी चैतन्य की सत्ता नहीं, मैं स्वयं के कारण। पानी गिलास के कारण नहीं, ऐसे ही मैं चैतन्य तत्व इस देह के कारण नहीं, मेरी सत्ता स्वयं से है, ऐसा स्वयं सत्ता स्वरूप त्रिकाल शुद्ध जानना जानना जानना, ये शुद्ध जानना जानना जानना, ऐसा जो प्रवाह निरंतर बहता है, उस एक एक समय की पर्याय एक एक मोती के पीछे जो रहने वाला एक अखंड धागा, ऐसी एक एक समय की पर्याय में व्याप्त ऐसा जो ध्रुव अखंड ऐसा चैतन्य तत्व, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। अनंत देह को छोड़कर के भी मेरी सत्ता टिककर रही तो इस देह के कारण मेरी सत्ता नहीं है, मैं स्वयं के कारण हूं, ऐसा चैतन्य तत्व हूं। अंतर में ज्ञान का ये जो परिणाम सहज होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता नहीं, गुरु से ज्ञान होता नहीं, निमित्तों से ज्ञान होता नहीं। अंतर में जो ज्ञान का सागर ऐसा भगवान आत्मा विद्यमान है, उस ज्ञान के सागर में से ही प्रति समय ये ज्ञान की तरंग उछलती है। वो समुद्र में उछलने वाली तरंग कहीं बाहर से नहीं,
वो ज्ञान 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 अंतर में जो ज्ञान है उसमें से ही ज्ञान प्रकट होता। ऐसा वो जो प्रकट होता है ऐसा वह निरंतर ज्ञान की तरंग उत्पन्न होती है। फिर भी वो तरंगों में भी पानी तो उतना ही रहता है, ऐसे ही ज्ञान की तरंगों में भी वो चैतन्य तत्व वही का वही है, वो चैतन्य तत्व वो वही मैं हूं, ऐसा मानना कि यही चैतन्य तत्व मैं हूं, ऐसा श्रद्धा में स्थापित होना ये चैतन्य तत्व ही मैं हूं, ऐसा दृष्टि का जोर चैतन्य तत्व ही मैं हूं, निरंतर ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। विकल्प दुख है, विकल्प ही दुख है, विकल्प ही दुख है, और विकल्प का चैतन्य तत्व में प्रवेश नहीं है, इसलिए दुख का चैतन्य तत्व में प्रवेश नहीं है। ऐसा सुख स्वरूप चैतन्य तत्व यही मैं, मैं चैतन्य तत्व सुख 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 आनंद से भरपूर हूँ। प्रत्येक प्रदेश में आनंद 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 का मैं कंद हूँ, ऐसा ये भगवान आत्मा, बस यही मैं, यही मैं।